तो हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू इजी क्लास आयुष। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ICSE बोर्ड क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो वी ऑल नो दैट ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ देयर ओन काइंड। द प्रोसेस बाई विच पेरेंट्स गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन। तो जितने भी हमारे यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट, लायन, टाइगर, डॉग, जितने भी ट्रीज होते हैं, वो सब क्या करते हैं, अपने जैसे ही न्यू वंस को जन्म देते हैं, यानी अपने जैसे ही बच्चों को पैदा करते हैं। ठीक है, जैसे डॉग का बेबी डॉग होता है, कैट का बेबी कैट होता है, उसी तरह जो प्लांट होते हैं वो भी अपने तरीका के छोटे छोटे प्लांट्स को जन्म देते हैं। तो इसी को बोला जाता है रिप्रोडक्शन। जैसे ह्यूमंस के बेबी ह्यूमंस ही होते हैं, तो इसी को बोला जाता है रिप्रोडक्शन। तो हम लोग इस चैप्टर में सिर्फ प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्लांट का रिप्रोडक्शन कैसा होता है और उसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, वो सारा मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट आर दूस विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो सिंपली वेजिटेटिव पार्ट्स वो होते हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते, मतलब जैसे स्टेम, रूट और लीफ। ज़्यादातर जो प्लांट होते हैं उनके स्टेम, रूट और लीफ, इससे मतलब कोई नया पौधा नहीं बनता। ठीक है, तो इसमें हमारा पढ़ना है द प्लांट पार्ट विच गिव राइज टू न्यू प्लांट्स आर नोन एज रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो जैसे जो प्लांट का जो पार्ट रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है वो है फ्लावर। तो ये उसके बारे में हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे आगे। तो द फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट, इट इज़ आइदर मेल और फीमेल। ठीक है, तो जो प्लांट होता है उसका जो फ्लावर होता है उससे ही छोटे छोटे सीड्स बनते हैं। ठीक है, और सीड्स से नया प्लांट बनता है। तो जितना भी प्लांट है उसका जो फ्लावर होता है वही उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो फ्लावर जो होता है वो दो टाइप का होता है, कोई कोई मेल होता है, कोई फीमेल होता है, या फिर कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों होते हैं, यानी मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं। तो इसको भी आप आगे पढ़ेंगे। तो हाउ डज अ प्लांट रिप्रोड्यूस, तो प्लांट जो होता है वो रिप्रोडक्शन कैसे करता है। तो यहाँ पर दो टाइप का रिप्रोडक्शन आपको देखना है। हेयर आर टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, पहला है एसेक्सुअल और दूसरा है सेक्सुअल। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाई विच अ प्लांट गिव राइज टू न्यू वंस विदाउट प्रोड्यूसिंग सीड और स्पाउस। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जिसमें जो प्लांट होता है वो कोई सीड या फिर स्पाउस को नहीं बनाता, उसके जो मतलब जो नया पौधा होता है वो मतलब उसके पार्ट से या फिर उसके लीव से या फिर और भी उसके कोई पार्ट से हो जाता है, उसके लिए आपको उसको सीड बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ता। तो इसी को बोला जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बाद देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस बाई विच प्लांट गिव राइज टू अ न्यू वन बाई प्रोड्यूसिंग सीड्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसको बोलते हैं जिसमें प्लांट सीड बनाए और वो सीड अगर मिट्टी पे गिरे और उससे नया पौधा पैदा हो जाए, तो इसी ये ऐसे रिप्रोडक्शन को बोला जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे एग्जांपल देखते हैं आप मैंगो, तो मैंगो का जो ट्री है वो कैसे होता है, उसके लिए आपको मैंगो का जो जो सीड होता है यानी गुठली जिसको बोलते हैं वो चाहिए होता है। तो आप तो उसी इस तो मैंगो का ट्री कौन सा रिप्रोडक्शन करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो जितने भी पौधे जो सीड्स से होते हैं उनको बोला जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट, अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द फॉलोइंग मेथड। तो एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शंस होते हैं उसमें मतलब कुछ कुछ मेथड्स के जरिए वो जो नया प्लांट है उसको निकाला जाता है। ठीक है, एसेक्सुअल में फर्स्ट का नाम है बाइनरी फ्यूज़न, सेकेंड को बोलते हैं बडिंग, थर्ड को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, फोर्थ को बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन, और लास्ट है हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, आगे देखते हैं बाइनरी फ्यूज़न क्या होता है। तो हमने आप अभी देखा आपको यहाँ पे इतना सारा टाइप का आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड्स दिखाया गया है, तो हमको ये थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपको एग्ज़ाम में डिटेल्स में दिया जाएगा इसीलिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं बाइनरी फ्यूज़न क्या होता है। तो बाइनरी फ्यूज़न सिंपल है, जैसे ये एक मान लीजिए छोटा सा पेरेंट सेल है,
तो ये क्या होता है, इसमें जैसे यहाँ पे आपको अमीबा, अमीबा एक छोटा सा मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट है, ठीक है। तो ये कैसे मतलब अपने बच्चों को जन्म देता है, ठीक है। तो ये कैसे देता है आपको बता देता हूँ मैं। जैसे ये मान लीजिए एक पेरेंट सेल है, इसके भीतर क्या होता है, जब मतलब उसको डबल होना होता है, मतलब वो अपने बॉडी पार्ट को अलग कर देता है। तो जब उसको डबल होना होता है तो वो क्या करता है, अपने अंदर ऐसे 2 ठो न्यूक्लियस बना देता है, ठीक है। आप ये जो गोल गोल जो देख रहे हैं वो न्यूक्लियस है, तो ऐसे 2 ठो न्यूक्लियस को बना देता है। फिर कुछ देर के बाद क्या होता है, वो 2 न्यूक्लियस अलग अलग होके 2 ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। तो इसी को बोला जाता है बाइनरी फिजन, ठीक है। तो इन बाइनरी फिजन द सिंगल सेल डिवाइड इंटू हाफ, अ न्यू ऑर्गेनिज्म दैट डिवाइड बाई बाइनरी फिजन आर बैक्टीरिया एंड अमीबा। तो बाइनरी फिजन से जितना भी फिजन होता है वो किस में आपको देखने मिलेगा, अमीबा में और बैक्टीरिया में, ऐसा ज़्यादातर देखने मिलता है। इन दिस प्रोसेस द न्यूक्लियस ऑफ द अमीबा फर्स्ट डिवाइड टू फॉर्म 2 डॉटर न्यूक्लियाई, लेटर द बॉडी ऑफ अमीबा स्प्लिट इंटू 2 हाफ, ईच हाफ रिसीव इट्स ओन न्यूक्लियस, द लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द 2 डॉटर सेल्स। तो ठीक है, ऐसे होता है बाइनरी फिजन। एक पेरेंट सेल होता है, उसके अंदर 2 न्यूक्लियस बनते हैं, फिर दोनों न्यूक्लियस अलग अलग हो जाते हैं और उनको अपना अपना बॉडी मिल जाता है। ऐसे करके वो अलग होके अपना न्यू वंस को जन्म देते हैं, ठीक है। तो ये एक जो दूसरा जो बना वो एग्जैक्टली जो पहला होता है एकदम वैसा ही होता है, उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक जितने भी मतलब जितने भी उसके कैरेक्टर सब कुछ सेम एकदम पहले वाले जैसे होते हैं। मल्टीपल फ्यूजन, तो बाइनरी फ्यूजन देख लिया। बाइनरी फ्यूजन में क्या होता था, सिर्फ एक जो है वो आधा होके 2 बन जाते थे, लेकिन मल्टीपल फ्यूजन में क्या होता है, जो एक जो होता है उससे बहुत सारे बन जाते हैं, ठीक है। जैसे पहले वाले में सिर्फ 1 से 2 बन रहे थे, लेकिन इसमें 1 से काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब 100, 150, 300, 400 ऐसे हो जाते हैं। तो इसी को बोला जाता है मल्टीपल फ्यूजन। ये किस में देखने मिलता है आपको, प्लाज्मोडियम में और सियोरिला में, ठीक है। ये 2 तरीका के बैक्टीरिया हैं। तो प्लाज्मोडियम आपको पता होगा, ये मतलब मच्छरों के अंदर आपको देखने मिल जाता है, मॉस्किटोज के अंदर। तो इनका जो मतलब लार्वा होता है ये मतलब एक से बहुत सारे डिवाइड होके बहुत सारे बन जाते हैं, ठीक है। इसलिए मॉस्किटो बहुत ज़्यादा मतलब नंबर्स में आपको देखने मिलते हैं। बडिंग, अब बडिंग क्या होता है, इट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम अ पॉस्ट्रस कॉल्ड द बड। इट इज़ वेरी कॉमन इन प्लांट्स एंड इन ईस्ट। इन ईज द सेल डिवाइड रैपिडली एट अ स्पेसिफिक साइट एंड डेवलप एज एन आउट ग्रोथ कॉल्ड द बर्ड। दीज बर्ड वाइल अटैच टू द पेरेंट सेल डेवलप इन टू स्मॉल इंडिविजुअल्स। वैन दीज इंडिविजुअल बिकम लार्ज इनफ इट डिटैच इट सेल्फ फ्रॉम द पेरेंट्स बॉडी टू एग्जिस्ट एज अ इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल। तो इसमें क्या होता है, ये मान लीजिए एक आपका छोटा सा प्लांट का हिस्सा दिखाया है। तो कुछ कुछ प्लांट होते हैं उसके अंदर, जो जैसे ये स्टेम है एक प्लांट का, इसके अंदर छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं। तो उस बर्ड से ही नया पौधा निकलता है, और जब वो निकलता है फिर कुछ दिन के बाद जब वो काफ़ी अच्छा मतलब थोड़ा बड़ा हो जाता है, फिर वहाँ से वो कट के नीचे गिर जाता है और मिट्टी पे एक न्यू प्लांट का जन्म हो जाता है, ठीक है। इसी को बोला जाता है बडिंग। कोई भी एक बॉडी पार्ट से एक ग्रोथ निकलता है, मान लीजिए मतलब एक ऐसे मान लीजिए एक स्टेम है, इसके यहाँ से एक छोटा सा ग्रोथ आपको निकला, ठीक है। फिर कुछ दिन बाद क्या होगा, ये ग्रोथ के अंदर ही आपको उसमें रूट और स्टेम ये सब देखने मिल जाएगा। हवा में उड़ के क्या होता है, वो बहुत दूर तक फैल जाता है। तो ये सीड डिस्पर्सल हुआ, प्लांट भी यही चाहता है कि उसके जो सीड है वो बहुत दूर दूर तक फैले, ताकि जहाँ पर मतलब वो हो वहाँ बहुत ज़्यादा हो जाए और कॉम्पिटिशन में उनका कम हो थोड़ा सा। तो उसमें तो इसका एग्जांपल क्या होगा, जो ग्रास है उसका सीड बहुत छोटा होता है और वो हवा में फैल जाता है, हवा में उड़ उड़ के बहुत दूर दूर तक एकदम मतलब बड़े इलाका में फैल सकता है। और मेपल, मेपल का भी जो मेपल और ड्रम स्टिक और सनफ्लावर, इन सब का जो सीड होता है ये बहुत छोटे छोटे होते हैं और हवा में उड़ सकते हैं और उड़ के ये बहुत दूर तक फैल भी सकते हैं। उसके बाद वाटर, कुछ कुछ जो होते हैं वो पानी में तैर के भी कहीं और पहुंच जाते हैं, ठीक है। जैसे कोकोनट, तो कोकोनट का आपको देखे ही होंगे, कोकोनट का जो जो भीतर होता है जिसको हम लोग खा जाते हैं, वाइट कलर का जिसके भीतर वो होता है, तो वो जो गोल सा होता है वही कोकोनट का सीड है।
तो वो क्या होता है, कोकोनट आपको कहाँ देखने मिलेगा ज़्यादातर, वो जो समुद्री समुद्र के किनारे या फिर रिवर के किनारे। तो क्या होता है, अगर रिवर में कोई कोकोनट गिर गया तो वो क्या होता है, स्विमिंग करते 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 कहीं और जाके मिट्टी में अगर वापस गिर गया तो वहाँ से नया प्लांट हो जाता है। तो कुछ जो प्लांट होते हैं उनके जो सीड होते हैं वो वाटर के ज़रिए भी बहुत दूर दूर तक चले जाते हैं। एनिमल्स, तो कुछ कुछ जो प्लांट होता है वो जो सी उसके जो उसको एनिमल्स बहुत दूर दूर तक ले जाते हैं, जैसे स्क्विरल, और जैसे स्क्विरल हो गया, तो स्क्विरल जो खाता है, जो खजूर खाता है, स्क्विरल डेट खाता है उसको, मतलब जब लेकर वो बहुत दूर दूर तक चला जाता है अपने खाने को लेकर, और इससे नया प्लांट जन्म ले लेता है। तो प्लांट को भी यही चाहिए और स्क्विरल को तो खाना चाहिए। उसका एग्जांपल आपको अच्छा मिल जाएगा कॉफ़ी का। कॉफ़ी क्या होता है, जो छोटे छोटे जो एक रकून जैसे चीज़ होते हैं, जैसे डोरेमोन, अभी एक रकून डॉग थोड़ी है, उसको जो बोला जाता है, तो रकून जो होता है वो क्या करता है, छोटे छोटे जो कॉफ़ी के फल है उसको खा लेता है, और खाने के बाद क्या होता है, उसका सीड को भी खा जाता है, लेकिन जो उसका डाइजेशन सिस्टम है वो सीड को नहीं डाइजेस्ट कर पाता। तो जब वो मतलब टॉयलेट करता है या फिर लैटरिंग करता है तो उसके जो सीड है वो कहीं पे भी वो गिरा देता है, तो उससे क्या होता है, उस सीड से नया प्लांट जन्म ले लेता है। तो उससे तो ये जो हो गया ये बहुत दूर दूर तक फैलने में हेल्प करता है। तो इसका एग्जांपल आप कॉफ़ी और डेट ये सब लिख सकते हैं। अदर मेथड्स, तो इसका और भी बहुत सारा मेथड है, जैसे कभी मान लीजिए आपका पहले आपने देखा उड़ के जाते थे, फिर वाटर से होता है, फिर एनिमल्स से होता है, उसके बाद फिर हम लोग भी ऐसा करते हैं, हम लोग भी कहीं जाते हैं तो कोई फ्रूट लेकर आते हैं तो उसका सीड हम लोग कहीं भी फेंक देते हैं, और फेंक देने से क्या होता है, अगर उसको सही से मतलब हवा पानी और सनलाइट मिले तो एक उसमें से भी एक छोटा सा प्लांट हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे मेथड है जिससे क्या होता है, जो प्लांट का जो सीड है वो बहुत दूर दूर तक फैल जाता है। तो थैंक यू, आपने ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, और मैंने आपके ICSE बोर्ड क्लास 8 के बाकी चैप्टर्स को भी अपलोड किया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। अभी तो आपका पढ़ने का मन नहीं होगा तो आप इसको सेव कर लीजिए बाद के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक और थम्सअप दे दीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत। तो वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का ही एग्जाम्पल है, किसी किसी प्लांट के रूट से भी नया पौधा निकल जाता है, जैसे बनाना, आप बनाना का रूट अगर कहीं पे लगा देंगे तो उससे ऑटोमेटिकली नया पौधा जन्म ले लेगा। और लीफ, तो कुछ कुछ जो पौधा होता है उसके अगर आप लीफ को भी मिट्टी में फेंक देंगे तो उससे नया पौधा जन्म ले लेगा, ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन दो टाइप के होते हैं, एक नेचुरल एक आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब जो अपने आप नेचुरली होते हैं, आर्टिफिशियल का मतलब जो मतलब ह्यूमंस अपने मर्जी से करते हैं, तो इसका भी अपना बेनिफिट है, हम लोग क्यों करते हैं वो भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेचुरल फॉर्मेशन प्रोपोगेशन फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम, तो कुछ कुछ जो प्लांट होते हैं उनके स्टेम मतलब उनका जो शाखा होती है, स्टेम होता है, उसको आप अगर मिट्टी पे गाड़ देंगे तो उससे एक नया छोटा सा पौधा या फिर एक और पौधा जन्म ले लेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर छोटे छोटे बड्स होते हैं। बड्स मतलब होता है, जैसे आप कोई आलू ले लीजिए, तो आलू का जो आप देखेंगे उसमें छोटे छोटे होल्स या फिर आइस की तरह आपको देखने मिलेगा, उसी को बड्स कहा जाता है, उससे नया प्लांट पैदा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ट्यूबर, ट्यूबर क्या होता है, ट्यूबर मतलब वही एक स्टेम होता है जिसके अंदर छोटे 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 ट्यूब, वो ट्यूबर मतलब इसका एग्जांपल है, छोटे छोटे आइस होते हैं, उस आइस से नया प्लांट जन्म ले लेता है, इसी को बोला जाता है ट्यूबर। ये किस में देखने मिलता है आपको, आलू में ज़्यादातर देखने मिलता है, ठीक है। विच इमैच्योर ओवरलैपिंग लीव्स आर प्रेजेंट इन द फोल्डेड स्टेट, अ बर्ड कैन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो बर्ड्स होती हैं उसके अंदर छोटे छोटे लीव्स होते हैं, अगर आप उसको मिट्टी पे डाल देंगे और उसके अंदर थोड़ा पानी देंगे और उसको धूप मिलेगा तो वो सिंपली नया प्लांट को वहाँ पे जन्म दे देगा, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए कोई आलू लीजिए और उसको मिट्टी में डाल दीजिए, आप कुछ दिन बाद देखेंगे कि वो जो आलू है उससे एक नया प्लांट जन्म ले लिया है। तो वो किस लिए होता है, सिंपली इस बर्ड्स के चलते होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्यूबर। राइजोम्स, द अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ जिंजर इज नोन एज अ राइजोम्स विच इज केपेबल ऑफ गिविंग राइज टू अ न्यू प्लांट। कॉर्म इज अंडरग्राउंड स्टेम इज टू फाउंड इन ग्लैडिकर्स
इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो राइजोम्स भी मतलब उसी तरह का होता है, लेकिन उसमें आपको कोई मतलब बर्ड्स या फिर ये सब देखने नहीं मिलेगा। जैसे जिंजर हो गया, तो जिंजर में कोई बर्ड्स आपको नहीं देखने मिलता, कोई आँख के जैसा आपको नहीं देखने मिलता। तो उसका भी अगर जिंजर को भी आप अगर गाड़ देंगे कहीं पर, तो जिंजर से भी नया प्लांट जन्म ले लेगा। ठीक है, तो ये सब आपका किसका एग्जाम्पल है, ये सब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, और उसके बाद थ्रू लीव्स, तो कुछ कुछ जो प्लांट होते हैं वो लीव्स से भी पैदा हो जाते हैं, आपको पहले ही मैंने बताया था। उसका एग्जाम्पल है ब्रियोफाइलम। ठीक है, तो कुछ कुछ जो प्लांट होते हैं वो लीव से भी नया प्लांट जन्म हो जाता है उनका। तो ब्रियोफाइलम मतलब एक प्लांट है जिसका लीफ अगर आप मिट्टी पर डाल देंगे तो उससे एक नया प्लांट हो जाएगा। ठीक है, आगे फ्रॉम एरियल स्टेम। तो एरियल स्टेम में क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई प्लांट है उसका स्टेम अगर मिट्टी पर टच हो जाता है या फिर उस पर अगर मिट्टी आप लगा भी देते हैं तो भी क्या होता है, उससे छोटे छोटे रूट्स निकल जाते हैं, और फिर मतलब वो स्टेम अगर आप अलग करके कहीं और लगा दें तो उस जो स्टेम से ही एक नया प्लांट जन्म ले लेता है। इसी को बोलते हैं फ्रॉम एरियल स्टेम, ये भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, तो हम लोग पहले जितना पढ़ा वो सारे एग्जाम्पल थे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के, लेकिन अब हम लोग थोड़ा देखेंगे आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब हम लोग खुद करते हैं, ये नेचुरली ये नहीं होता। द विच प्रोसेस इज यूज टू कमर्शली फॉर इम्प्रूविंग द वील्ड क्वालिटी एंड डिजीज रेजिस्टेंस इन द प्लांट एंड देयर प्रोडक्शन। तो ये क्यों करते हैं हम लोग, ताकि जो हमारा जो प्लांट है उसका जो क्वालिटी है देने का, मान लीजिए अगर हम लोग कुछ ऐसा करके क्या होता है कि जो प्लांट होता है उसके जो क्वालिटी होती है, मतलब जो मान लीजिए पहले जो आलू जो प्लांट सिर्फ एक मतलब 10-10 या 20-20 आलू दे रहा था, अगर हम लोग ऐसा आर्टिफिशियली वेजिटेटिव प्रोपगेशन करें तो हो सकता है आगे चल के उस एक प्लांट से ही हमको 50 या फिर 100 आलू मिल जाए। ऐसा हम लोग, इससे क्या होता है क्वालिटी और जो डिजीज़ रेजिस्टेंस है वो भी सुधर जाता है। जैसे जो प्लांट है वो मान लीजिए पहले एक छोटे बैक्टीरिया या फिर वायरस के कांटेक्ट में आने से उसको डिजीज़ हो जाती थी और वो मर जाता था, लेकिन ऐसा जो आर्टिफिशियली वेजिटेटिव प्रोपगेशन करने के बाद हम लोग उस प्लांट में कुछ कुछ चेंजेस करके कोई और प्लांट का स्टेम के साथ उसको जोड़कर हम लोग उसको डिजीज से बचा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी होता है। तो कटिंग इट इज़ रेफर टू द फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट प्लांट फ्रॉम रीजनरेट पीस ऑफ रूट स्टेम एट्सेट्रा, फॉर एग्जाम्पल रोजेस सुगर केन मनी प्लांट एट्सेट्रा। तो कटिंग मतलब होता है आप अगर किसी प्लांट का कोई छोटा सा स्टेम काट के उसको आप मिट्टी पे लगा दे तो उससे एक नया प्लांट पैदा हो जाता है, इसी को बोला जाता है कटिंग। तो ये किस में होता है, ये आपको देखने मिलेगा रोज सुगर केन और मनी प्लांट। ये जो अगर रोज का आप कोई भी स्टेम काट के मिट्टी में लगा देंगे और उस पर रोज अगर पानी देंगे और ऐसा करेंगे तो सनलाइट देंगे तो उससे क्या होगा, वो एक नया प्लांट खुद ब खुद बन जाएगा। तो ये आर्टिफिशियली भी आप खुद कर सकते हैं, इसमें नेचर का ज़रूरत नहीं है कि नेचर खुद टूट के गिर जाएगा, ऐसा ज़रूरत नहीं है। आप खुद जाके किसी रोज का स्टेम को काट के मिट्टी पर लगा के हम लोग खुद भी कर सकते हैं इसको। ग्राफ्टिंग क्या होता है, तो ग्राफ्टिंग भी एक मेथड है। स्टेम कटिंग फ्रॉम द डिज़ायर प्लांट इट इज इंसर्ट इन अ रूटेड प्लांट विच इज़ रेजिस्टेंट टू डिजीज, देन दे आर बाउंड फर्मली विथ टेप और क्लोथ सो दैट दे नेव वास्कुलर कंटिन्यूटी, फॉर एग्जाम्पल रोज मैंगो सिट्रस एट्सेट्रा। तो ग्राफ्टिंग मतलब होता है कोई एक प्लांट का स्टेम को काट के दूसरे किसी प्लांट में, मतलब वैसा प्लांट चूज़ करना पड़ेगा जो उस डिजीज़ से पहले से बचा हुआ हो, जिसको वो डिजीज़ कभी नहीं होती। और एक प्लांट लीजिए जिसमें वो डिजीज़ होती है, तो अगर आप जो जिस प्लांट में डिजीज़ होती है उसका कोई हिस्सा काट के जिसमें डिजीज़ नहीं होती उसमें आप लगा दे और उसके ऊपर टेप लगा दे और मतलब उसको फिर कुछ देर तक छोड़ दे, तो वो क्या होगा, वहाँ से एक नया प्लांट मतलब जो वो प्लांट बनेगा वो एक नया टाइप का प्लांट होगा। वो कैसा होगा, या तो वो उस डिजीज़ से बचा रहेगा या फिर उस डिजीज़ से प्रोटेक्शन करने का उसके पास पावर हो जाएगा। ठीक है, इसी को बोला जाता है ग्राफ्टिंग।
किसी और प्लांट के किसी हिस्से को काट के दूसरे प्लांट में इंसर्ट कर देना। वो ऐसे इंसर्ट किया जाता है जैसे किसी प्लांट के शाखा को ऐसे स्टेम को इस तरह से काट के और उसके ऊपर दूसरा जो प्लांट है जिसमें वो डिजीज़ होता है उसको इस तरह से काट के अंदर घुसा दिया जाता है। ऐसे घुसा के इसके ऊपर टेप लगा दिया जाता है और कुछ दिन के बाद ये दोनों मिलके एक हो जाते हैं। और एक होने से क्या होता है, उस मतलब जो नया प्लांट जो बन जाता है उससे उसमें क्या होता है, वो डिजीज़ नहीं होती, वो डिजीज़ से प्रोटेक्शन करने का पावर उसके अंदर आ जाता है। ठीक है, तो ऐसा किसके साथ किया जा सकता है? इससे हम लोग मैंगो, रोज़ और सिट्रस जैसे ऑरेंज, फिर नींबू, ऐसे मतलब प्लांट के साथ हम लोग ये कर सकते हैं ग्राफ्टिंग। लेयरिंग, तो लेयरिंग में क्या करते हैं, लेयरिंग इज़ द मेथड द ब्रांच ऑफ अ प्लांट इज़ ब्लेंड एंड कवर्ड विथ मॉइस्ट सॉइल कॉल्ड माउट। आफ्टर फ्यू डेज रूट अराइज फ्रॉम द अंडरग्राउंड प्रोपोर्शन, इट सेपरेट्स फ्रॉम द पेरेंट्स प्लांट एंड ग्रो इमीडिएटली इंडिपेंडेंटली, फॉर एग्जाम्पल जैस्मिन, स्ट्रॉबेरी एट्सेट्रा। तो क्या किया जाता है, ऐसे एक मान लीजिए स्टेम है इसका, जहाँ पर जो जुड़ रहा है यहाँ पर मिट्टी को मतलब मिट्टी एकदम लगा के बांध दिया जाता है। फिर कुछ दिन बाद क्या होता है, यहाँ से ही रूट निकलना स्टार्ट हो जाता है। फिर बाद में क्या किया जाता है, इस यहाँ से इसको काट के मिट्टी पे लगा दिया जाता है, इससे वहाँ से एक नया प्लांट जन्म ले लेता है। ठीक है, ये किस में किया जाता है, ये स्ट्रॉबेरी, जैस्मिन एट्सेट्रा और बहुत सारे प्लांट्स में ऐसा किया जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे ये। टिश्यू कल्चर, तो टिश्यू कल्चर में क्या होता है, कोई एक प्लांट का कोई टिश्यू लेकर प्लांट के अंदर जो टिश्यूज़ होते हैं वो निकाल के लैब में साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, उससे एक नया प्लांट बनाते हैं, नया प्लांट को जन्म देते हैं बहुत सारे टिश्यूज़ को मिला के। जैसे रोज़ का टिश्यू ले लिया और वहाँ से कोई और रोज़ का टिश्यू ले लिया और उसको मिला के एक नया प्लांट बनाया गया और उस प्लांट को फिर आगे और क्वांटिटी में और मतलब और ज़्यादा बनाया गया। तो इससे क्या होता है, ये मतलब आर्टिफिशियली लैब के अंदर किया जाता है और साइंटिस्ट लोग ज़्यादातर ये करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो प्लांट होता है उसको मतलब डिजीज़ से बचाने में भी हेल्प होता है और जो नया प्लांट जो बनता है दो टिश्यूज़ को मिला के दूसरे दूसरे प्लांट से, तो जो नया प्लांट बनता है वो या तो वो डिजीज़ से बचा रहता है या फिर ये किया जाता है क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ाने के लिए। यानी अगर किसी में सिर्फ 10 या 20 पोटैटोज़ होते थे, अगर उसमें दो सेल अगर अच्छा से मिला दिया जाए, यानी एक सेल मिलाया जाए उस पोटैटो का और दूसरा मिलाया जाए दूसरे प्लांट का जिससे ज़्यादा पोटैटो होते हैं, तो उन दोनों को मिलाने से क्या होगा, जो पहला जो पोटैटो है वो उतना ही ज़्यादा क्वांटिटी में होगा। ठीक है, आई होप ये समझ गए होंगे आप, थोड़ा बुक में ये पढ़िएगा आपको और अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, एडवांटेज आपको पता चली गया है, क्यों किया जाता है ये, सिंपली क्वालिटी और क्वांटिटी अच्छा करने के लिए और उसको डिजीज़ से बचाने के लिए। और ये बहुत कम टाइम में हो जाते हैं फटाफट, जैसे आपको छोटा सा सीड डाल के फिर उसको मतलब उतना बड़ा करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप सिंपली एक स्टेम या फिर लीफ या फिर कुछ और पार्ट से भी एक नया प्लांट जन्म ले सकता है, पैदा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कम टाइम लेता है ग्रो होने में, फटाफट ग्रो हो जाता है। जितना सीड डालेंगे, सीड से तो बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन वो जो छोटा सा आपका स्टेम वाला मेथड है, बाइंडिंग मेथड है, ग्राफ्टिंग मेथड है, इससे फटाफट हो जाता है। और फ्रूट एंड फ्लावर्स अर्लियर देन प्लांट प्रोड्यूस थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जो नया जो इसके जो फ्रूट हैं और फ्लावर्स है ये जल्दी जल्दी हो जाते हैं। इसके लिए मतलब उतना वेट नहीं करना पड़ता कि प्लांट छोटे से बड़ा होगा फिर धीरे धीरे उसमें से फ्रूट आएंगी फ्लावर्स आएंगे, ऐसा नहीं वेट करना पड़ता, ये काफ़ी जल्दी हो जाता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अ पेरेंट प्लांट। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो सीड है उससे एग्जैक्ट वही वाला पौधा जन्म लेता है, लेकिन जो एसेक्सुअल हमने पहले पढ़ा उसमें क्या होता है, हम लोग प्लांट के मतलब कुछ कुछ क्वालिटीज़ को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसा आप आगे पढ़ेंगे क्लास 9 या 10 में आपको ये पढ़ाया जाएगा क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं और क्या क्या चेंज कर सकते हैं आप, तो वो सब मतलब हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी नहीं। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या होता है, सीड से जो प्लांट होता है वो कैसा होगा, एकदम एग्जैक्ट जो जिसका पेरेंट प्लांट जैसा था एकदम वैसा ही होगा, लेकिन अगर आर्टिफिशियली हम लोग करें तो उससे जो प्लांट होगा वो नया टाइप का भी हो सकता है। जैसे उसमें अगर कोई डिजीज़ नहीं होती तो उससे बचाया जा सकता है उसको, उसका जो फ्रूट का जो क्वालिटी है उसको अच्छा किया जा सकता है, क्वांटिटी है उसको भी ज़्यादा किया जा सकता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं,
वेजिटेटिव प्रोपगेशन या आर्टिफिशियल प्रोपगेशन सब करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे साइंटिस्ट करते हैं, हम लोग तो काफ़ी कम करते हैं, ठीक है। आगे डिसएडवांटेज, इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है। सिंस ऑल द प्लांट्स ग्रो थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन आर आइडेंटिकल, दे आर प्रोन टू गेट अफेक्टेड सिमिलरली इन केस ऑफ डिजीज इन स्प्रेड इन द फार्म, दिस कैन रिजल्ट इन बिग लॉस टू द कल्टिवेशन। तो ये मतलब आपका क्या होता है, किसका कुछ डिसएडवांटेज भी है। कभी कभी ऐसा होता है कि दो चीज़ को अगर मिला दिया जाए, दो प्लांट को मिला दिया जाए, तो उससे कुछ और गलत प्लांट ही बन जाता है। जैसे मान लीजिए पहले हम लोग मिलाए थे कि उससे कुछ वो डिजीज से वो बच जाए, लेकिन अगर आगे चल के कभी कभी हो जाता है कि वो जो नया प्लांट बना वो कोई और डिजीज़ को ही पैदा कर दे, तो उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। मतलब वो अगर वो डिजीज़ फैल जाए तो बहुत सारे मतलब जो प्लांट है वो ख़त्म हो जाते हैं, मतलब बर्बाद हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके हम लोग डिजीज़ से बचाने के लिए करते हैं, कभी कभी मतलब ऐसा उल्टा भी हो जाता है, कोई नया डिजीज़ भी बन जाता है ऐसा करने से। सीन्स डॉटर प्लांट्स आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स प्लांट, दे आर लाइकली टू कैरी द अनडिजायरेबल कैरेक्टर ऑफ द प्लांट एज वेल। तो इसमें हम लोग क्या होता है, सारा ही जो कैरेक्टर है वो चेंज नहीं कर सकते, कुछ कुछ कैरेक्टर्स को चेंज कर सकते हैं। तो इसमें भी क्या होता है, जो पेरेंट से जो बच्चा हुआ है यानी जो बच्चा प्लांट है उसका कुछ कुछ कैरेक्टर उसके अंदर पहले से ही होता है, तो कभी कभी क्या होता है उसका अनडिजायरेबल कैरेक्टर भी उसके अंदर रह जाता है। जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है जो सिर्फ बहुत छोटा होता है, बौना होता है, ड्रॉम होता है, तो अगर उसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन करे तो कभी कभी क्या होता है कि वो जो ड्रॉन पौधा होता है, जो अगला पौधा बना वो भी ड्रॉन ही होता है, मतलब छोटा ही होता है, वो बड़ा नहीं हो पाता ज़्यादा, ठीक है। इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन मोस्ट ऑफ द डॉटर प्लांट टेंड टू ग्रो इन अ रेजिस्टेंट एरिया विच लीड टू कॉम्पिटिशन फॉर रिसोर्स अमॉन्ग देम। तो ये हम लोग क्या होता है, ये एक साथ बहुत सारे जगह एक ही छोटे जगह पे बहुत सारा किया जाता है, तो इससे क्या होता है जो बाकी जो प्लांट्स हैं उनके बीच में कंपटीशन बढ़ने लगता है, तो इससे क्या होता है बाकी प्लांट्स मरने लगते हैं और ये जो प्लांट है ये थोड़ा मतलब ज़्यादा होने लगते हैं, ठीक है। इसके बाद रिप्रोडक्शन पार्ट ऑफ द प्लांट, अब हम लोग पहले हम लोग एसेक्सुअल पढ़ चुके हैं, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्लांट का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्ट है वो है फ्लावर, ठीक है। द फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन ऑफ प्लांट विच बियर बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट। तो एक प्लांट है उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों हो सकता है, या फिर सिर्फ मेल या फिर सिर्फ फीमेल, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो डू ऑल फ्लावर्स कंटेन बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट्स, तो क्या सारे प्लांट्स के जो फ्लावर होते हैं उसमें मेल और फीमेल होता है? नहीं, सारे प्लांट्स के जो फ्लावर होते हैं उसके अंदर मेल और फीमेल नहीं होता, कुछ कुछ में दोनों होते हैं, कुछ कुछ में सिर्फ एक होता है, या तो कोई मेल होगा या फीमेल होगा, लेकिन कुछ कुछ में क्या होता है दोनों होता है, मेल भी होता है और फीमेल भी होता है। आगे देखते हैं द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या कहा जाता है, द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोला जाता है एंड्रोइसियम, एंड्रोइसियम, ठीक है। तो ये जो स्टेमेन है ये एंड्रोइसियम है, ठीक है, और जो फीमेल पार्ट होती है उसको बोला जाता है गाइग्नोसियम, ठीक है। तो जितना भी एंड्रोसियम है, एंड्रोइसियम है, वो ये है, ये जो आपका दो पार्ट दिख रहा है स्टेमेन यानी एंथर और फिलामेंट, ये सारा मेल पार्ट है, और यहाँ पे जो आपको ये तीन चीज़ दिख रही हैं स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये फीमेल का है, ठीक है। तो जिस प्लांट में ये सब होगा वो फीमेल फ्लावर, और जिस फ्लावर में ये होगा वो मेल फ्लावर, ठीक है, और कुछ कुछ में दोनों भी होता है, ये हम लोग आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे। देखिए आप, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक छोटा सा लाइक दे दीजिए, और मैं आगे पूरा आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा। आप जो कुछ जो चैप्टर चाहिए आप उसका नाम लिख दीजिए, मैं आपको उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो जल्दी ही देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो देखते हैं आगे, एक कंप्लीट फ्लावर हैज़ फोर पार्ट्स, तो एक फ्लावर के अंदर चार पार्ट होना चाहिए, कंप्लीट फ्लावर के अंदर कार्पेल, स्टेमेन, पेटल और सेपल्स। तो आप यहाँ ड्राइंग में देख लीजिए, ये पेटल है, ये सेपल है, उसके बाद एक स्टेमेन है, ये स्टेमेन है, और ये जो कार्पेल है यानी पिस्टिल, कार्पेल को पिस्टिल भी बोला जाता है, ठीक है। और जिस प्लांट में चारों में से कोई एक भी मिसिंग हो उसको इनकम्प्लीट फ्लावर बोला जाता है, ठीक है।
तो हाउएवर नॉट ऑल फ्लावर कंटेन बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो जैसे आपको पहले बताया, ज़्यादा सारे फ्लावर्स के अंदर मेल और फीमेल दोनों नहीं होता, यानी स्टेमन और पिस्टल दोनों जो चीज़ है ये एक फ्लावर के अंदर ज़्यादातर प्लांट्स में नहीं होता, लेकिन काफ़ी सारे प्लांट में होता भी है, फ्लावर में होता भी है। तो जो जिसके अंदर एक भी मिसिंग होगा, यानी या तो पिस्टल मिसिंग होगा या फिर स्टैमन मिसिंग होगा, तो इसमें से कुछ भी अगर मिसिंग होता है तो इसको बोला जाता है इनकम्प्लीट फ्लावर ऑन द बेसिक ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द रिप्रोडक्शन पार्ट। इनकम्प्लीट फ्लावर कैन बी टू टाइप, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। तो बाइसेक्सुअल होता है जिसके अंदर दोनों हो, मेल भी हो और फीमेल भी हो, और यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है जिसके अंदर सिर्फ या तो मेल हो या फिर फीमेल हो। तो इसका एग्जांपल आपको देखने मिल जाएगा, बाइसेक्सुअल का एग्जांपल है हिबिस्कस, लिली, रोज, गुलमोहर एट्सेट्रा। तो ये जो फ्लावर्स, इसके जो प्लांट के जो फ्लावर्स होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं, उनके अंदर मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट भी होता है। लेकिन कुछ कुछ फ्लावर्स ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर चारों नहीं होता, ठीक है, या तो वो मेल होता है या फिर फीमेल होता है। तो इसका एग्जांपल है कॉर्न, पपाया, मरिजुना एट्सेट्रा। तो ये सब के अंदर क्या होता है, या तो मेल होता है या फिर फीमेल, दोनों नहीं होता, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, यूनिसेक्सुअल। यूनि मतलब एक। आगे देखते हैं, हाउ डज द मेल एंड फीमेल गमेट्स गिव राइज टू अ न्यू प्लांट्स। तो मेल और फीमेल जो फ्लावर्स होता है वो नया प्लांट को कैसे पैदा कर लेता है, नया सीड कैसे बना लेता है। तो सिंपल सा चीज़ है, देखिए कि ये स्टेमन है और ये पिस्टल है। स्टेमन का पार्ट क्या है, एंथर और फिलामेंट, और पिस्टल का पार्ट क्या है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक है। तो ये जो स्टिग्मा है, एक मिनट, स्टिग्मा है ये क्या होता है, ये उड़ के किसी तरह इसके अंदर घुस जाता है, और इसके अंदर घुस के ये अंदर जाता है और एक नया सीड को जन्म दे देता है, ठीक है। तो ऐसे ही करता है ये। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द मेल एंड फीमेल गमीट्स द पोलन गेन्स द एग फ्यूज अ फॉर्म अ जाइगॉन्ट विच लेटर डेवलप टू फॉर्म अ न्यू प्लांट। तो ये जो स्टिग्मा है इसके अंदर छोटे छोटे पोलन गेन्स होते हैं। पोलन गेन्स मतलब एक बहुत छोटे छोटे डॉट के जितने छोटे छोटे चीज होते हैं, वो क्या होता है, वो या तो उड़कर या फिर किसी इंसेक्ट के पैर में लग के वो यहाँ तक पहुँचते हैं, ठीक है। यहाँ तक पहुँचने के बाद क्या होता है, वो इससे अंदर जाते हैं, और अंदर जाके जो फीमेल पार्ट होते हैं, फीमेल के अंदर क्या होता है, एक एग होता है, वो उसके साथ मिल जाते हैं। तो इससे क्या होता है, वो एक नया नया प्लांट के लिए एक छोटा सा सीड या फिर स्पोर या फिर ऐसा बन जाता है जिससे नया प्लांट हो सके, ठीक है। आई होप आप ये समझे होंगे। तो पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो पोलन गेन्स एंड एग आर मेल एंड फीमेल गमीट्स रिस्पेक्टिवली। तो ये पोलन गेन्स मेल के अंदर होते हैं और फीमेल्स के अंदर क्या होते हैं, गमीट्स, यानी छोटे छोटे जो एग होते हैं उनको गमीट्स बोला जाता है। तो पोलन गेन्स जब उड़ के उस गमीट के पास उस जो एग से मिल जाता है, तभी नया प्लांट होने के लिए जो सीड चाहिए वो बनता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, तो इसी को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। हाउ डज द पोलन गेन रीच द ओव्यूल टू फर्टिलाइज द एग। तो पोलन गेन्स कैसे पहुंचता है वहां तक, तो या तो वो उड़ के पहुंचता है या फिर किसी एंट किसी इंसेक्ट के हाथ पैर में लग के पहुंचता है या फिर किसी भी मतलब जरिया से वो पहुंच जाता है, ठीक है। या तो वो उड़ के जाता है या फिर किसी और तरीका से चला जाता है, ठीक है। अच्छा, आफ्टर द पोलन गेन्स रीचेज द स्टिग्मा पोलन ट्यूब ग्रो एंड रीचेज द ओवरी। तो क्या होता है, जब जैसे वो पहुंचता है वहाँ पे और पहुंचने के बाद, इसको पॉलिनेशन कहा जाता है। पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, वो उड़ के वहाँ तक पहुंचता है, इसी को पॉलिनेशन कहा जाता है, ठीक है। पोलन गेन्स जब उड़ के या फिर किसी और तरीका से वहाँ तक पहुंच जाए, फीमेल फ्लावर के जो पिस्टल तक पहुंच जाए, उसी को बोला जाता है पॉलिनेशन। और फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन मतलब होता है जब वो पहुँच गया वहाँ पर और उसके बाद वो क्या होता है, बड़ा अपने एक मतलब वो भीतर घुस के बड़ा होने लगता है, और बड़ा होते 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 वो एग में जाके एग से मिलता है, इसी को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। जब पोलन गेन एग से मिलता है तो इसको क्या बोला जाता है, फर्टिलाइजेशन।
ठीक है, तो ये रहा आपका लिखा भी हुआ है यहाँ पे, मेल सेल ट्रेवल डाउन टू पोलन ट्यूब एंड फ्यूज विद द एग सेल इन द ओव्यूल, द फ्यूजन इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। तो जैसे ही मान लीजिए फ्यूज़न होता है तो फिर वो धीरे धीरे क्या होता है, वो जो फ्लावर है वो फ्रूट बन जाता है, फ्रूट के अंदर क्या होता है सीड होता है, और सीड से नया प्लांट जन्म ले लेता है। अब फ्रूट डेवलप फ्रॉम अ रिपीड ओवरी फॉल अंडर वेरियस कैटेगरीज, तो जो फ्रूट बनता है उसका भी कुछ कुछ कैटेगरी है, जैसे फ्लैशी फ्रूट, फ्लैशी फ्रूट मतलब कुछ कुछ फ्रूट्स होते हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा उसके अंदर गुदा होता है जिसको हम लोग खाते हैं, जैसे पपाया, पपाया के अंदर क्या होता है बहुत ज़्यादा वो जो जूसी चीज़ होता है, जो गुदा जिसको बोलते हैं वो होता है जिसको हम लोग खाते हैं, तो फ्लैशी फ्रूट मतलब जिसके अंदर बहुत ज़्यादा गुदा होता है उसको बोलते हैं फ्लैशी फ्रूट। उसके बाद ड्राई फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स जैसे मतलब सूखे सूखे जो फल होते हैं उनको ड्राई फ्रूट्स बोला जाता है, जैसे आपका पी, मेज, इन सबको बोला जाता है ड्राई फ्रूट। ये कैसे होते हैं, एकदम सूखे होते हैं, इनके मतलब आपको खाने के लिए इसके ऊपर कुछ नहीं मिलेगा। जैसे मेज़ हो गया, तो मेज़ एक छोटा सा सीड है, आप मेज़ को मतलब खा सकते हैं हम लोग, लेकिन उसके ऊपर कोई गुदा टाइप नहीं होता, हम लोग सीड को ही खा जाते हैं, ठीक है। फॉल्स फ्रूट, फ्रूट इन विच द फ्लैशी पार्ट दैट वी ईट डेवलप एट द बे ऑफ सेंटर, अच्छा ठीक है। तो फॉल्स फ्रूट मतलब जिसके मतलब जिसके ऊपर में पूरा मतलब वो गुदा होगा और बीच में जाके छोटा सा सीड होगा, इसको बोला जाता है फॉल्स फ्रूट। इसका एग्जांपल है एप्पल, पियर, मैंगो एटसेट्रा। तो फॉल्स फ्रूट क्या होता है, जिसके ऊपर में गुदा होगा और बीच में क्या होता है बहुत सारे मतलब ये आपका सीड या फिर एक सीड या फिर बहुत सारे सीड हो सकते हैं, ठीक है। तो फ्लैशी का एग्जांपल है पपाया, पपाया पूरा ही गुदा होता है और इसके भीतर छोटे छोटे सीड्स होते हैं, तो फ्लैशी फ्रूट। ड्राई फ्रूट मतलब जिसके अंदर मतलब बहुत सूखा हो, उसके ऊपर कोई गुदा टाइप नहीं हो। और फॉल्स फ्रूट मतलब जिसमें मतलब बीच में छोटे छोटे सीड हो और उसके ऊपर मतलब पूरा गुदा गुदा से बना हो, जिसको हम लोग फ्लैशी हो, जिसको हम लोग खा सकते हैं। नेक्स्ट सम इंटरेस्टिंग फैक्ट, तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताया गया है यहाँ पे कि जितना भी मतलब जो फ्लावर होता है वो जितना अपना सेंट या फ्रेगनेंस डालता है या फिर जो मतलब उसके अंदर जो कलर होता है वो क्यों होता है, वो ब्राइट कलर क्यों होता है और उसके अंदर जो सेंट होता है वो क्यों होता है, ताकि वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके। आप देखेंगे जितना ही मतलब कलरफुल फ्लावर होता है उसके पास इंसेक्ट्स बहुत ज़्यादा जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं, और जो बहुत ज़्यादा अच्छा सेंट वाला होता है, फ्रेगनेंस जिसके अंदर ज़्यादा अच्छा होता है उसको, उसके पास भी ज़्यादा इंसेक्ट और हम लोग भी जाते हैं, ठीक है। तो आपका फेवरेट फ्लावर कौन सा है आप ये मुझे एक बार कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो ये क्यों होता है, ताकि मतलब जैसे जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए फ्लावर्स जो होते हैं वो कलरफुल होते हैं और उसके अंदर सेंट होता है, और फ्लावर के अंदर एक जूस होता है जो स्वीट होता है, तो उसको फ्लावर खा, उसको जो हनी भी हो गया या फिर कुछ और इंसेक्ट हो गए वो खाने आते हैं, और खाने आते हैं तो क्या होता है उनके बॉडी में वो पोलन ग्रेन्स लग जाते हैं, और जब वो दूसरे किसी फ्लावर में जाते हैं यानी फीमेल फ्लावर में जाते हैं तो वो पोलन ग्रेन्स उस पिस्टल में डाल देते हैं और उससे क्या होता है पॉलिनेशन होता है, और पॉलिनेशन होने से क्या होता है वो एग जो है वो फर्टिलाइज हो जाता है, और फर्टिलाइज होने से क्या होता है वहाँ पर सीड बनता है, और सीड बनने से क्या होता है नया फ्लावर नया पौधा आने में हेल्प होता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। इसके बाद सीड डिस्पर्सल, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। अ प्लांट प्रोड्यूस मेनी सीड्स फॉल ऑन द ग्राउंड फ्रॉम प्लांट एंड गिव राइज टू अ न्यू, इमेजिन इफ ऑल सीड्स ग्रोइंग इनटू अ प्लांट ग्रो अंडर द पेरेंट प्लांट। तो अगर सोचिए कि जो छोटा छोटा जो पेरेंट जो बड़ा सा मान लीजिए कोई पेरेंट प्लांट है उसका जो सीड है अगर वो मतलब एकदम नीचे ही गिर जाए, जैसे मतलब प्लांट जहाँ पे है वहीं पे गिर जाए तो क्या होगा, एक ही जगह पे बहुत सारे पौधा हो जाएंगे, तो ऐसा अच्छा नहीं है। ऐसे क्या होता है कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मतलब आप सोचिए अगर एक ही जगह पे बहुत सारा पौधा होगा तो वहाँ पे पानी भी ज़्यादा देना पड़ेगा, सनलाइट भी सबको देना पड़ेगा, तो ऐसे मतलब क्या होता है कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं उसमें क्या होता है आपका फर्स्ट आने का चांस बहुत कम होता है, लेकिन आप मतलब इजी क्लास आयुष के वीडियोस देखते हैं तो आप हो सकता है आप बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से नंबर ला सके, ठीक है। तो ऐसा होता है, तो इसलिए क्या होता है जो प्लांट्स होते हैं वो चाहते हैं कि उनका जो सीड है वो बहुत दूर दूर तक फैल जाए,
ताकि उसको कंपटीशन कम मिले और जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ पे हो जाए और बड़े बड़े अच्छे से हो। तो इसको बोला जाता है सीड डिस्पर्सल, ठीक है। तो द अवॉइड कंपटीशन टू अ प्लांट डेवलप डिफरेंट मैकेनिज्म टू मूव द सीड अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। तो जो ऐसा कॉम्पिटिशन्स को कम करने के लिए क्या किया जाता है, जो सीड होता है उसको बहुत दूर दूर तक भेजा जाता है। इससे क्या होता है, ये मतलब कुछ कुछ मैकेनिज़म्स इसमें काम करते हैं, मतलब कुछ कुछ चीज़ें इसमें हेल्प करती है। तो वो क्या है देखेंगे। तो फर्स्ट है वाटर, एयर और एनिमल्स, विंड, ये सब हेल्प करता है कोई भी सीड को दूर दूर तक फैलाने में। जैसे क्या क्या हेल्प करता है, विंड। विंड क्या करता है, कुछ कुछ जो प्लांट होते हैं उसके सीड जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और बहुत हल्के होते हैं, तो हवा में उड़ के क्या होता है वो बहुत दूर तक फैल जाते हैं। तो ये सीड डिस्पर्सल हुआ, प्लांट भी यही चाहता है कि उसके जो सीड है वो बहुत दूर दूर तक फैले, ताकि जहाँ पे मतलब वो हो वहाँ बहुत ज़्यादा हो जाए और कंपटीशन में उनका कम हो थोड़ा सा। तो उसमें तो इसका एग्जांपल क्या होगा, जो ग्रास है उसका सीड बहुत छोटा होता है और वो हवा में फैल जाता है, हवा में उड़ उड़ के बहुत दूर दूर तक एकदम मतलब बड़े इलाका में फैल सकता है। और मेपल, मेपल का भी जो मेपल और ड्रम स्टिक और सनफ्लावर, इन सब का जो सीड होता है ये बहुत छोटे छोटे होते हैं और हवा में उड़ सकते हैं और उड़ के ये बहुत दूर तक फैल भी सकते हैं। उसके बाद वाटर, कुछ कुछ जो होते हैं वो पानी में तैर के भी कहीं और पहुंच जाते हैं, ठीक है। जैसे कोकोनट, तो कोकोनट का आप देखे ही होंगे, कोकोनट का जो जो भीतर होता है जिसको हम लोग खा जाते हैं वाइट कलर का, जिसके भीतर वो होता है, तो वो जो गोल सा होता है वही कोकोनट का सीड है। तो वो क्या होता है, कोकोनट आपको कहाँ देखने मिलेगा ज़्यादातर, वो जो समुद्री, समुद्र के किनारे या फिर रिवर के किनारे। तो क्या होता है, अगर रिवर में कोई कोकोनट गिर गया तो वो क्या होता है, स्विमिंग करते 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 कहीं और जाके मिट्टी में अगर वापस गिर गया तो वहाँ से नया प्लांट हो जाता है। तो कुछ जो प्लांट होते हैं उनके जो सीड होते हैं वो वाटर के ज़रिए भी बहुत दूर दूर तक चले जाते हैं। एनिमल्स, तो कुछ कुछ जो प्लांट होता है वो जो सी उसके जो उसको एनिमल्स बहुत दूर दूर तक ले जाते हैं, जैसे स्क्विरल, और जैसे स्क्विरल हो गया, तो स्क्विरल जो खाता है, जो खजूर खाता है, स्क्विरल डेट खाता है उसको, मतलब जब लेकर वो बहुत दूर दूर तक चला जाता है अपने खाने को लेकर, और मतलब कभी कभी क्या होता है कि उसका सीड मिट्टी पे गिर जाता है और इससे नया प्लांट जन्म ले लेता है। तो प्लांट को भी यही चाहिए और स्क्विरल को तो खाना चाहिए। उसका एग्जांपल आपको अच्छा मिल जाएगा कॉफ़ी का। कॉफ़ी क्या होता है, जो छोटे छोटे जो एक रकून जैसे चीज़ होते हैं, जैसे डोरेमोन अभी एक रकून डॉग थोड़ी है, उसको जो बोला जाता है, तो रकून जो होता है वो क्या करता है, छोटे छोटे जो कॉफ़ी के फल है उसको खा लेता है, और खाने के बाद क्या होता है उसका सीड को भी खा जाता है, लेकिन जो उसका डाइजेशन सिस्टम है वो सीड को नहीं डाइजेस्ट कर पाता। तो जब वो मतलब टॉयलेट करता है या फिर लैटरिंग करता है तो उसके जो सीड है वो कहीं पे भी वो गिरा देता है, तो उससे क्या होता है, उस सीड से नया प्लांट जन्म ले लेता है। तो उससे तो ये जो हो गया ये बहुत दूर दूर तक फैलने में हेल्प करता है। तो इसका एग्जांपल आप कॉफ़ी और डेट ये सब लिख सकते हैं। अदर मेथड्स, तो इसका और भी बहुत सारा मेथड है, जैसे कभी मान लीजिए आपका पहले आपने देखा उड़ के जाते थे, फिर वाटर से होता है, फिर एनिमल्स से होता है, उसके बाद फिर हम लोग भी ऐसा करते हैं, हम लोग भी कहीं जाते हैं तो कोई फ्रूट लेकर आते हैं तो उसका सीड हम लोग कहीं भी फेंक देते हैं, और फेंक देने से क्या होता है, अगर उसको सही से मतलब हवा, पानी और सनलाइट मिले तो एक उसमें से भी एक छोटा सा प्लांट हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे मेथड है जिससे क्या होता है, जो प्लांट का जो सीड है वो बहुत दूर दूर तक फैल जाता है। तो थैंक यू, आपने ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, और मैंने आपके ICSE बोर्ड क्लास 8 के बाकी चैप्टर्स को भी अपलोड किया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। अभी तो आपका पढ़ने का मन नहीं होगा तो आप इसको सेव कर लीजिए बाद के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक और थम्सअप दे दीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।